So hi guys, this is Mubina back with the another important question of IBO 03, textbook number 2. And already I have said, मैंने already कह चुका है कि ये rational and the evolution of export promotion, ये जो चार questions repeat हुआ है, लेकिन इसमें export promotion measures of India में जो question exactly नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें एक specialty ये है कि इसमें subdivisions बहुत है, यानी कि EPZ, EOU, SEZ, SEZ नहीं पूछेगा क्योंकि 2018 में वो पूछ चुका है. तो export promotion measures में सबसे इम्पॉर्टेंट होकर डिफ्रेंसिएशन 4-5 टाइम्स पूछा गया है, वो है EPZ एंड EOU. सो क्वेश्चन ये है कि EPZ और EOU, यहाँ में इस पेज में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ये लाइटली प्रिंट हुआ है, नहीं पता क्यों ऐसा. सो EPZ और EOU का डिफ्रेंसिएशन पूछा गया था, लेकिन EPZ का फुल फॉर्म ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, सो नॉर्मली सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे इकोनॉमिकली. सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज द टू अट्रैक्ट द हेवी इंडस्ट्री एग्जाम्पल एंड ऑल्सो टू डेवलप स्मॉल एंड इंडस्ट्री मॉडल्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्यों बनाया गया था? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि टू अट्रैक्ट द हेवी इंडस्ट्री, और दूसरा है कि अगर स्मॉल इंडस्ट्री हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टैब्लिश हुआ था. और उसके बाद हमें सब पता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कम्युनिकेशन और IT डे बाई डे, ईयर बाई ईयर चेंज होता जा रहा है. तो इसके अनुसार कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए के अनुसार ही EPZ का भी एक्सपेंशन हुआ था. सो मोस्टली सो आप सबके प्रमोटिंग एक्सपोर्ट क्रिएशन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, सो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का दूसरा वर्ड सिनोनिमस, मतलब उसका अर्थ यानी कि मीनिंग. तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का सिनोनिमस नाम है कि फ्री ट्रेड जोन. यानी कि गाइस, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो, उसमें वो गारंटी देते हैं फ्री ट्रेड जोन्स. हम सबको पता है जब एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग करते वक्त हमारे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ होने के कारण बहुत से, यानी कि बहुत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं या बहुत टैक्स पेमेंट. सो इसके लिए फ्री ट्रेड जोन है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में गुजरात में, और उसका नाम है खांडिया फ्री ट्रेड जोन. खांडिया यानी KANDIA, इस क्लियर नहीं है, ये पेज भी लाइट है, इसकी ये प्रॉब्लम होती है. खांडिया फ्री जोन, सो ब्लॉक पे नंबर, मेरी जो टेक्स्ट बुक इट इज़ फ्रॉम द पेज नंबर 9, सो ब्लॉक नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं. ओके, सो खांडिया फ्री जोन में था, एंड ऑल्सो इट हैज़ ऑफ मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. और दूसरा बात ये है कि दो तरह के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसे मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं. सो सिमिलरली द फर्स्ट EPZ जोन कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? गुजरात में, और उसका नाम है खांडिया फ्री जोन. और वही नहीं, वो मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. सो ये है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सर एग्जाम्पल्स, यानी कि सांता क्रूज, पाल्टा, चेन्नई, नोएडा, चेन्नई, विशाखापट्टनम. सो इन द फॉलोइंग ईयर 6 एक्सपोर्ट जोन हैव बीन सेट अप इन द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि 6 एक्सपोर्ट जोन का नाम है. आप चाहिए तो ये मेमोराइज करते हैं या तो नहीं, सब ठीक. लेकिन इसमें से ये सांता क्रूज है ना, जो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उस नाम से ही आपको पता चलता है वो एक प्रोसेसिंग जोन है. किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी आइटम. एक का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्टिंग के लिए, और दूसरा है जेम्स ज्वेलरी की आइटम्स की प्रोसेसिंग के लिए. और रेस्ट ये है ना, फाल्टा, चेन्नई, नोएडा, कोच्ची, विशाखापट्टनम, ये सब मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जोन है, मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है. सो एंड ऑल्सो ये है, इसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या है इसका सबसे बड़ा फैसिलिटी, ये है कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, यानी कि कॉम्पिटिशन लेस है. कोई भी, अगर USA हो, UK हो, कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहता है
हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी ये कॉम्पिटिटिव फ्री है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ मनी सेम है, और वो भी नहीं लो कॉस्ट में. सो दैट सेट सेंटा क्रूज इज ड्यूअल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक जेम्स एंड ज्वेलरी, और बाकी सब मल्टीपर्पज है. और नेक्स्ट आता है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यू इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन टेक्सटाइल यार्न फूड प्रोसेसिंग. गाइस अगर मैं आपको सबसे पहले द टू मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में कहूँगी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कॉन्सेंट्रेट करते हैं अट्रैक्ट द हैवी इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द मोर लाइट इंडस्ट्री हु नीड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि बड़ी 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 इंडस्ट्री. लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेनली ऑन दी टेक्सटाइल यार्न फूड प्रोसेसिंग, यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है ना, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, प्लास्टिक, इसके लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट करते हैं. और यहाँ देखिएगी इस कॉम्प्लीमेंट्री टू EPZ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट है, एक हैवी इंडस्ट्री है तो एक लाइट इंडस्ट्री है. इट मीन्स एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफरिंग एक्सपोर्ट फॉर इंक्लूडिंग द रिजेक्ट आइटम्स, यानी कि आप सबको पता है हैवी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, यानी कि हैवी इंडस्ट्री में अगर कुछ भी, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ बाकी होता है, उसकी हैवी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के बाद वो क्लोथ बाकी होने के हम क्या करते हैं, उसमें क्लोथ प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो कुछ भी बाकी होता है उसके लिए मेन हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं. और वही नहीं, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इंडिया सब्सिडियरी लोकेशन है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए लोकेशन क्राइटेरिया बहुत नेसेसरी है, लेकिन इसके लिए लोकेशनल क्राइटेरिया अगर सही है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हम एस्टैब्लिश करते हैं. लेकिन उसके लिए सबसे मेन, लेकिन उसके लिए अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ की फैसिलिटी. सभी चीज़ के लिए चाहिए लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, एक्सिस्टेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल पार्क एंड ऑल्सो द नीड फॉर ए लार्ज एरिया लैंड फॉर द प्रोजेक्ट. यानी के लिए इसके लिए मैं एक अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ. यानी कि समझिए कि आप एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने वाले हैं तो आपको पहले क्या चाहिए, एक अच्छी एरिया होना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेटअप हो के लिए एप्लीकेबल हो, देन उसके बाद फैसिलिटी हो कि टेक्नोलॉजिकल स्किल्स वाली आदमी होनी चाहिए, ये सब. और मेजर फैसिलिटी टू 100%, यानी कि आप समझे ना, मेनली ये है यहाँ लोकेशनल एरिया है कंपेयरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जोन. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लेस, और लोकेशनल क्राइटेरिया हम सब देखते हैं. लेकिन अगर आपसे एक कॉमन फीचर्स बोथ द एस्टैब्लिश टू 100% EOU या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से डील किया है, तो पहला थिंग है इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस. मतलब आप सबको पता है एक्सपोर्टिंग के टाइम हम एक एक डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस से वो कहते हैं कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, यानी कि 10-15 डॉक्यूमेंट हो, वो सिंगल अथॉरिटी के पास जाकर ही हम क्लियर करते हैं, विच इज़ अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. और प्रपोजल फुलफिल्स ग्रिंग ऑटोमेटिक अप्रूवल, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट की अप्रूवल चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हम जस्ट एक बार ऑनलाइन जाए. इंडस्ट्री प्रूफ एंड स्टैंडर्ड डिज़ाइन फैक्ट्रीज आर अवेलेबल, यानी कि अगर हम कहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया 1 acre to 2 acre एरिया में जाकर हमें एक्सपोर्ट और EPZ और EOU एस्टैब्लिश करना है तो वो हमें लैंड प्रोवाइड करेंगे, वो भी कंसेशनल रेट, यानी कि लेस रेट में. नो इंपोर्ट लाइसेंस आर नीडेड, पहले लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस, ये लाइसेंस, बोथ लाइसेंस चाहिए, या नो इंपोर्टिंग लाइसेंस आर नीडेड. और पेमेंट ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ ऑलरेडी मैंने कहा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की सिनोनिमस ये है कि इट इज़ अ फ्री ट्रेड जोन, मतलब टैक्स नहीं है, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो नॉट देयर. कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है, सो नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, नो कस्टम ड्यूटी. सो यहाँ दोस्तों हमने मेनली डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री. यहाँ क्या कहते हैं, मॉडल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए. और यहाँ क्या है, मेनली 5 types ऑफ एक्सपोर्ट जोन है. सांता क्रूज क्या है, ड्यूअल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जेम्स एंड ज्वेलरी. और यहाँ EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज मेनली फॉर द स्मॉल, यानी कि यार्न, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, प्लास्टिक सब. और लोकेशनल एरिया यहाँ के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. सिंगल विंडो क्लियर, प्रपोजल, नो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. और
सो ये था रिमाइनाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह चुकी हूँ मैं केरलाइट हूँ, मेरा मदर टंग मलयालम है, तो बेसिकली उतनी अच्छी नहीं हिंदी होगी. लेकिन ये ट्यूटोरियल या ये वीडियोस मैं अपलोड उन लोगों को लिए कह रही हूँ जो हार्डली स्ट्रगल करते हैं एग्जाम्स के बिफोर के लिए. और मेरी स्पीड भी जेरी, यानी कि द वे आई स्पीक इज ऑल्सो फास्ट एंड बिकॉज टुमारो इज द एग्जाम. सो प्लीज डू कोऑपरेट विथ मी एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.